हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द डायामीटर ऑफ अ बाइसिकल व्हील इज 28 सेंटीमीटर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 140 रिजोल्यूशन। ठीक है, तो एक डायामीटर, एक व्हील है, इसका डायामीटर कितना दिया हुआ है आपको, 28 सेंटीमीटर। तो डायामीटर आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ जाएगी, 28 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, मीन्स आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस आ जाएगी, रेडियस आ गई हमारी 14 सेंटीमीटर। अब उसने क्या बोला है, टोटल रिजोल्यूशन कितने हैं, टोटल रिजोल्यूशन कितने हैं, 140। तो पहले एक रिजोल्यूशन निकाल लीजिए, मीन्स ये एक व्हील है तो आप एक बार घूम रहे हो, मीन्स उसकी आप क्या कर रहे हो, सरकमफेरेंस। तो आपको पहले सरकमफेरेंस फाइंड करनी है। तो सरकमफेरेंस क्या होती है, सर्कल की, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 × 22/7 × आर की वैल्यू 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, कितना हो गया ये, 44 × 2, मीन्स कितनी आ गई, 88। बट ये कितना था, सिर्फ वन रिजोल्यूशन था, ये वन रिजोल्यूशन है, वन रिजोल्यूशन मीन्स सरकमफेरेंस कितनी होगी, 80। अब ये टोटल कितनी बार घूम रहा है, 140 बार, तो 140 का कितना हो जाएगा, 88 × 140 मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 0, 14 8 ज़ा 96, अगेन 9, कितना जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे जब 88 में 140 का, तो आंसर आ जाएगा 12320 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर दिया हुआ है कि जूही की मदर ने सेमी सर्कल में एक डोरमेट खरीदा है, ये होता है सेमी सर्कल, डोरमेट खरीदा है उन्होंने, और जो इसकी स्ट्रेट लाइन है वो कितनी दी हुई है, 84 सेंटीमीटर। तो इसको आप डायामीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है, मीन्स डी इक्वल टू आपको कितना दिया है, 84 सेंटीमीटर। तो आर कितना होगा, 84 / 2, मीन्स 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 42 सेंटीमीटर। यहाँ आपकी रेडियस आ गई है 42 सेंटीमीटर। अब आगे उसने क्या बोला है, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द मैट, मतलब आपको ये टोटल पेरीमीटर बताना है, ये प्लस स्ट्रेट लाइन। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू पाई आर प्लस डी। देखिए, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस डी, क्यों, क्योंकि ये हाफ है। टोटल यदि एक सर्कल होता है तो उसकी परिधि कितनी होती है, सेमी सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, बट ये हाफ है, हाफ मीन्स क्या हो जाएगा, 1/2 × 2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या, ओनली पाई आर। पाई आर ये किसका होगा, सिर्फ ये आधे का, और ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब ये भी ऐड हो जाएगी, तो इसमें इसलिए इसमें प्लस डी करेंगे, प्लस डी, या आप इसको लिख सकते हैं 2 आर भी, क्यों, क्योंकि जब आप इसको बीच में से डिवाइड करोगे तो ये भी आर हो जाएगा और ये भी आर, और आर आर कितना हो जाएगा, 2 आर। तो आप डी लिखें या 2 आर लिखें, दोनों ही एक ही बात, तो पाई आर प्लस डी। पाई कितना है, 22/7, आर की वैल्यू कितनी आई, 42, प्लस डी कितना था, 84 सेंटीमीटर, और ये 42 सेंटीमीटर, 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, तो ये कितना हो जाएगा, 22 × 6 सेंटीमीटर प्लस 84 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये, 132 सेंटीमीटर प्लस 84 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 216 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा आंसर।